ये जो आप करते हो ना ये अच्छा नहीं है। उसने उससे कहा चंद्रशेखर जी हम तो सरकार के लोग जिसकी सरकार होगी उसके साथ काम करें, कर आप अपनी सरकार बना लो हम आपके साथ काम करेंगे। मुझे उनकी बात आ रही है कि भाई एसएसपी कौन अपॉइंट करता है, डीएमओ कौन अपॉइंट करता है, कौन कौन किस जिले का चार्ज लेगा कौन नहीं लेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते तो आपके साथ कोई लाठी उठा देता क्या? बताओ उठा देता है कोई लाठी? और अगर कोई लाठी उठा देता तो बताओ फिर उसको सजा मिलती नहीं मिलती बताओ? और मैं आपको आज गारंटी दे कहता हूँ कोई अच्छा काम करेगा अधिकारी उसका सम्मान करेंगे, और अगर कोई किसी के साथ ऐसा काम करेगा तो हम भूलने वालों में से नहीं इस बात का नहीं आता। अच्छी बात यह है कि सरकारी आंकड़े मिटते नहीं है, कौन लाठी चलाए कौन मुकदमा लिखे कौन दबिश दिए कौन चमचागिरी किए सब रिकॉर्ड में रहता है। अच्छी बात यह है कि लंबे समय तक रिकॉर्ड में रहता है और सत्ता आने जाने वाली चीज है। जो लोग आज सत्ता में उनका सत्ता में नहीं रहेंगे और इस बार में वो करीब से बच गए वरना दिल्ली के तक से उड़ गए थे इस बार। इसलिए आपसे कह रहा हूं अधिकारी कर्मचारियों की मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि आपके आगे मजबूरी हो सकती है लेकिन इतना मत करो क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं होता सिर्फ पाए भाई बदवा, ऐसा ना हो आपको और आपके परिवार को लग जाए तो ये सब पैसा लोग गाली सब अच्छा रहता है। गरीब की आम में बहुत तकलीफ होती है बात ताकत होती है, मैंने देखी है। आज अगर गोली खा के मैं जिंदा खड़ा हूं तो ये आपके आशीर्वाद और दो प्रार्थनाओं की देन है। और वरना मैंने खासी विधान से भी लोग जाते हैं देखे हैं दुनिया से, समझे नहीं समझे मेरी बात को? बाकी आप समझदार हैं।